अभी मैंने इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया है, क्लास सिक्स में जो चैप्टर था द फूलिश किंग, ये पूरा चैप्टर मैंने रीड करा दिया था आप लोगों को। अब आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है उस स्क्रीन पर चैप्टर फर्स्ट के ही आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लिखे हैं। ब्लैक बोर्ड से ज़्यादा बेटर ये तरीका रहेगा क्योंकि यहाँ पर केवल क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और बाकी जो भी एक्सरसाइज हैं वो सारी एक्सरसाइज आपको बताई जा रही है इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, और एक बात पहले ये समझ लीजिए कि आपने अगर मीनिंग नहीं की है तो जो भी आपको भेजा जाता है जो वीडियो, आप उस वीडियो के लिंक पर जाइए या फिर आप YouTube पर थिंक डिफरेंट विद महेंद्र डालिए, वहाँ पर आपका चैनल आ जाएगा और आप अपने जो क्लास है आप उसका लेक्चर ढूंढ लीजिए, उसमें से आप जो भी मीनिंग्स कराई गई हैं या फिर जो भी लेक्चर्स मैथमेटिक्स या ऑलवेज जो भी करना है आपको वहाँ से कर सकते हैं। एक तरीका बताया मैंने कि यूट्यूब पर आप थिंक डिफरेंट विद महेंद्र डालिए, चंद्रशेखर स्कूल में जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं वो मेरे हों, लाल सर के हों या आशीष सर के हों या सागर सर के हों, नवीन सर के हों, सारे आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ओके बेटा, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, व्हाट डिड द किंग बिलीव, राजा का क्या विश्वास था। द किंग बिलीव्ड दैट ही वॉज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन हिज किंगडम, राजा का विश्वास था कि उसके राज्य में उससे ज़्यादा बुद्धिमान, उससे ज़्यादा चतुर और कोई दूसरा नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके सामने है, आप वीडियो को रोक कर या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारे सामने, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग से व्हेन देव मेट हिम फर्स्ट टाइम, देव से राजा ने क्या कहा जब उससे फर्स्ट टाइम मिले थे। व्हेन देव मेट हिम फर्स्ट टाइम द किंग आस्क्ड यू थिंक दैट यू आर अ वेरी क्लेवर, राजा ने उससे कहा था क्या तुम समझते हो कि तुम बहुत चालाक हो, पहला ही वर्ड राजा का उससे था देव से। आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड द किंग लेंड हिज बेस्ट हॉर्स टू देव, राजा ने देव को अपने सबसे अच्छे घोड़े बेस्ट हॉर्स क्यों दिए। द किंग लेंड हिज बेस्ट हॉर्स टू द देव बिकॉज, सबसे अच्छे घोड़े दिए क्यों, किंग वॉन्टेड दैट, किंग चाहता था कि देव कम बैक सून, देव जल्दी से वापस आए फ्रॉम होम विथ टूल्स, अपने टूल्स लेकर, क्यों, क्योंकि जब देव आया था तो उसने राजा से कहा था कि मैं लोगों को टूल्स से ट्रिक करता हूँ, टूल्स से बेवकूफ़ बनाता हूँ, टूल्स की मदद से मैं उनको फंसाता हूँ। तो राजा ने कहा था अच्छा दिखाओ मुझे वो टूल्स, तुम्हारे वो टूल्स क्या है, तब उन्होंने कहा था देव कम बैक सून होम फ्रॉम विद द टूल्स, या कर लेंगे अच्छे से नोट कर लेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डिड देव डिमांडेड फॉर द किंग आफ्टर हिज विक्ट्री, अपनी जीत के बाद देव ने क्या डिमांड की। देव डिमांडेड दैट फार्म लैंड इन द फॉरेस्ट शुड बी रिटर्न टू द विलेजर्स, जो भी खेत की भूमि है और जंगल्स हैं जो हैं वो किसानों को लौटा दिए जाएं उनकी जीविका के लिए, या आप उसको नोट कर ले अच्छे से। उसके बाद ही हमारे क्वेश्चन आंसर बेटा लास्ट है, व्हाट डिड द किंग रियलाइज, राजा को अंत में क्या अनुभव हुआ। द किंग रियलाइज्ड, यहाँ पर आप दैट लगा लेंगे बेटा, दैट लगाया मैंने भूल गया हूँ यहाँ पर, द किंग रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट द ड्यूल, कि वो जो था वो अपनी शर्त जो था अपना जो समझौता था वो हार गया है। तो आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, ही हैड लॉस्ट LOST लॉस्ट। देन बेटा आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे जो आपकी एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स दिए हैं। ट्रू फॉल्स देखिए, पहला ट्रू फॉल्स क्या है मैं पढ़ते हुए समझाते हुए आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपको दोबारा बताने की जरूरत भी ना पड़े। पहला है द किंग ऑर्डर इज मिनिस्टर टू फाइंड अ पर्सन स्मार्टर देन हिम, क्या राजा चाहता था कि अपने से ज़्यादा स्मार्ट पर्सन खोजा जाए, बिल्कुल ट्रू है ये। डिस्पाइट देयर हार्डशिप द विलेजर ट्रीटेड द किंग्समैन वेल, इतनी कठोरता के बावजूद भी जो गांव के लोगों थे उन्होंने राजा के आदमियों को अच्छे से व्यवहार किया, बर्ताव किया, ये भी ट्रू है हमारा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द किंग वाज वेरी क्विक विद हिज आंसर एंड क्लेवर इन हिज वेज, राजा अपने सवाल जवाब में हाजिर जवाबी में चतुर था, गलत, वो देव था। देव नीड 100 हॉर्स पुल कार्ट टू ब्रिंग देम ऑल, 100 घोड़े उसने लिए थे, यस ट्रू। देव स्प्लिट द 50 हॉर्सेज बिटवीन द विलेजर्स, क्या उसने 50 घोड़े बांट दिए थे गांव वालों में, नहीं बल्कि 100 के 100 बांट दिए थे, तो ये फॉल्स होगा हमारा। द किंग मेड फूल देव 3 टाइम्स,
राजा ने देव को 3 बार बेवकूफ़ बनाया। फॉल्स, देव ने राजा को 3 बार बनाया था, यह आप नोट कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हमारा आता है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक देखिए हमारा, द किंग डिसाइडेड टू फाइंड आउट द पर्सन स्मार्टर देन हिम देन ही, ये ए नंबर भर फिल कर लेंगे। द मिनिस्टर रीच द वेरी बॉर्डर ऑफ द किंगडम, जो राजा से मंत्री थे वो एकदम बॉर्डर पे एकदम किनारे पे पहुंचे थे राज्य के। द किंग चार्ज द विलेजर द हेप्टी टैक्स फॉर यूजिंग द कल्टिवेशन फील्ड, बहुत ज़्यादा चार्ज लेता था वो, ना कि ग्रेन और ना लैंड। द किंग वुड लाइक टू सी द टूल्स दैट देव यूज, जो देव टूल्स यूज करता था वो देखना चाहता था राजा। ऑल द ग्रेन वॉज कट एंड फिल्ड इन टू द ग्रेनरीज विद द स्टिपुलेटेड 6 मंथ, और 6 महीने बाद वो भरकर लाया ग्रेन जो अनाज था उसमें सारा। ये आपके बेटा क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। इसमें लास्ट हमारा बाकी है यहाँ से केवल, देव रीच्ड हिज विलेज एंड सोल्ड द ब्लैक हॉर्स, जब देव गांव पहुँचा उसने ब्लैक हॉर्स को गांव वालों में या जो उसके थे उसमें बांट दिया उसने पूरे ब्लैक हॉर्सेस को। तो बेटा ये आपका चैप्टर यहाँ से पहला फर्स्ट चैप्टर जो है इंग्लिश लिटरेचर का वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कहीं से भी डाउट होता है तो आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि यहाँ से लापरवाही अगर आप बरतते हैं तो नुकसान केवल और केवल आप अपना ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक टीचर्स आके आपको वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, आप उनका कितना यूज़ करते हैं ये बहुत जरूरी है। आपको ग्रुप्स में ऐड कर दिया है, कर दिया गया है, अब केवल कुछ नहीं करना है बेटा, घर में केवल 3 से 4 घंटा जितनी देर जो टाइमिंग है 9 से 1 उस समय आप ऑनलाइन रहिए, उसी समय काम करिए, बाकी के समय में आप घर के काम या फिर थोड़ा बहुत खेलकूद कर सकते हैं। लेकिन ये 4 घंटा आप हमें अगर देंगे तो आई होप कि आपको आगे इसी तरीके जब पढ़ाई चलेगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके बेटा, अच्छे से पढ़ते रहें सब लोग, और कोई दिक्कत आती है तो कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।